लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में भी प्रचार अभियान तेजी से जारी है। पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच प्रचार अभियान के दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि जनता के असली मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में भी प्रचार अभियान तेजी से जारी है। पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच प्रचार अभियान के दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि जनता के असली मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में भी प्रचार अभियान तेजी से जारी है। पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच प्रचार अभियान के दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि जनता के असली मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है।